टाइटल इंडिगो एयरलाइंस FY23 में डोमिनोज पिज्जा को छोड़ फूड और बेवरेज से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेटेस्ट बिजनेस न्यूज और रिसर्च के बारे में बताते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस की ताजगी के बारे में, जिसमें खास बात यह है कि इसकी फूड और बेवरेज सेगमेंट ने डोमिनोज पिज्जा को छोड़ दिया है और उससे भी अधिक मुनाफा कमाया है FY23 में। इंडिगो एयरलाइंस, जिसने विमुक्ति और सुरक्षा के साथ अपने उड़ानों में मायूसी फैलाई है, ने अपने बिजनेस मॉडल में एक नया रूप दिखाया है। FY23 में इस एयरलाइंस ने एक अनोखी स्थिति हासिल की है, जहां उसकी फूड और बेवरेज सेगमेंट ने डोमिनोज पिज्जा को छोड़ा है। तो सवाल ये है, ऐसा कैसे हुआ और इसमें इंडिगो ने कैसे डोमिनोज को पीछे छोड़ा? इसका जवाब है उसके विशेषता भरे फूड और बेवरेज सेगमेंट में। FY23 में इंडिगो एयरलाइंस ने अपने फूड और बेवरेज सेगमेंट को बड़ी तेजी से बढ़ाया। इसमें खासकर खाने की विकल्पों की बढ़ती मांग और उड़ानों में यात्रीगण की बढ़ती संख्या का अफसोस भी शामिल है। ये एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल का परिणाम है, जो न केवल उड़ानों में मुनाफा कमा रहा है, बल्कि फूड और बेवरेज सेगमेंट से भी बड़ा मुनाफा उठा रहा है। आइए एक तुलना करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की फूड और बेवरेज सेगमेंट को डोमिनोज पिज्जा के साथ। FY23 में इंडिगो की इस सेगमेंट से आई मुनाफा की राशि ने डोमिनोज को पीछे छोड़ दिया है। इससे साफ होता है कि उड़ाने ही इंडिगो की मुख्य आजीविका है नहीं, बल्कि उसका फूड और बेवरेज सेगमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे के पीछे के कुछ कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। इंडिगो ने अपने उड़ानों के यात्रीगण को विशेष रूप से ताजगी भरे और स्वादिष्ट भोजन के साथ सेवा करने के लिए किया है। उड़ान के दौरान यात्रीगण को विभिन्न विकल्पों के लिए वाटी देने का भी प्रयास किया गया है, जिससे उन्हें एक अच्छा भोजन चयन करने का मौका मिलता है। समाप्त होते हुए हम कह सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपने फूड और बेवरेज सेगमेंट के माध्यम से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और ये डोमिनोज पिज्जा के साथ तुलना करने में सफलता प्राप्त कर रहा है। ये दिखाता है कि एक उद्यमी बिजनेस मॉडल कैसे अपनी विभिन्न सेगमेंट्स में मुनाफा कमा सकता है और विस्तार से सोचकर कैसे आगे बढ़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें नीचे टिप्पणियां करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।